बाबा सिद्दीकी नाम तो सुना होगा आपने। अरे वही बाबा सिद्दीकी जिनके घर हर साल इफ्तार पार्टी में स्टार्स आते हैं, इतने स्टार्स जितने किसी अवार्ड फंक्शन में भी नहीं दिखते। किंग खान से लेकर भाईजान तक सब अटेंड करते हैं बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी। तो क्यों होती है ये इफ्तार पार्टी इतनी ओपी? बोले तो कौन है बांद्रा का ग्रेट गैट्सबी? बाबा सिद्दीकी। बाबा का पॉलिटिकल पार्ट। जियाउद्दीन सिद्दीकी एके बाबा सिद्दीकी ने 1977 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और मुंबई में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की एज अ मेंबर ऑफ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एके NSUI। फिर 1980 में बाबा बांद्रा यूथ कांग्रेस और 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। चार साल बाद 1992 में म्यूनिसिपल काउंसिलर बने और पांच साल बाद सेम पोस्ट पर री इलेक्ट हुए। 1999 में बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से MLA इलेक्ट हुए और फिर 2004 और 2009 में री इलेक्ट हुए। बोले तो तीन लगातार टर्म वो MLA रहे बांद्रा वेस्ट के। इसके साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे फ्रॉम 2000 टू 2004। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज लेबर FDA and consumer protection for the government of Maharashtra and served from 2004 to 2008. अब उनके बेटे जीशान बाबा सिद्दीकी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए बांद्रा ईस्ट के MLA हैं और मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। बाबा सिद्दीकी वर्सेस दाऊद इब्राहिम। साल था 2013 जब बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कॉल आया। दरअसल मैटर था एक जमीन के टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद इब्राहिम के खास अहमद लंगड़ा के बीच, जिसके बाद दाऊद ने फोन करके बाबा सिद्दीकी को धमकाया और कहा कि राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवा दूंगा। एक था MLA। इस धमकी भरे कॉल के बाद बाबा सिद्दीकी ने पुलिस के पास पहुंचकर अपनी कंप्लेंट दर्ज की और मुंबई पुलिस ने अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी एक और बार गलत कारणों से चर्चा में आए जब 2017 में मनी लॉन्डरिंग केस में ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था। एज पर रिपोर्ट्स, द ईडी ऑन मार्च 31, 2017 बुक्ड अ केस अगेंस्ट सिद्दीकी एंड फ्यू अदर्स पर्टेनिंग टू अलेजेड इररेगुलरिटीज इन रीडेवलपमेंट ऑफ द जमाते जमूरिया स्लम एट बांद्रा इन सब अर्बन मुंबई बाय पिरामिड डेवलपर्स। स्लम की जमीन MHADA की थी और उस वक्त चेयरमैन थे बाबा सिद्दीकी। फिर 2019 में बाबा सिद्दीकी को इस केस से राहत मिली। बाबा एंड बॉलीवुड। बाबा सिद्दीकी और इफ्तार पार्टी की ये रस्म उनसे पहले उनके मेंटोर सुनील दत्त साहब निभाते थे। दत्त साहब की इफ्तार पार्टीज बहुत मशहूर थी एंड चूंकि वो एक कांग्रेस लीडर भी थे, इस वजह से पॉलिटिकल एनालिस्ट को ये लगता था कि ये इफ्तार पार्टीज कांग्रेस का एक तरीका है अपने मुस्लिम वोट बैंक से अपने रिश्ते को मजबूत करने का। बाबा सिद्दीकी अपने पॉलिटिकल करियर के शुरुआती दिनों से ही दत्त साहब के बहुत करीब थे, तो इन इफ्तार पार्टीज के पीछे की इंस्पिरेशन दत्त साहब भी हो सकते हैं। बाबा सिद्दीकी ये ईद मिलन यानी इफ्तार पार्टी 1980s से देते आ रहे हैं। अब बाबा सिद्दीकी करीब थे सुनील दत्त साहब के एंड दत्त साहब के थ्रू बाबा की दोस्ती हुई बाबा से, माने संजू बाबा से, विच लेड टू हिज फ्रेंडशिप विद सलमान खान। एंड संजू बाबा एंड भाईजान के अगर आप करीब हैं तो फिल्म इंडस्ट्री आपके करीब आ ही जाती है। ये इफ्तार पार्टीज हमेशा से ही स्टार स्टडेड होती रही हैं, लेकिन इसका हाई पॉइंट आया 21 जुलाई 2013 को जब भाईजान सलमान और किंग खान शाहरुख खान एक दूसरे को गले लगाते नजर आए बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में। ये फोटोज खूब वायरल हुई बिकॉज उस वक्त तक शाहरुख और सलमान के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था जिसकी शुरुआत हुई थी कटरीना के बर्थडे बैश पर, और इस युद्ध में सीज फायर हुआ बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में, जहां दोनों सुपरस्टार्स ने अपने मन मुटाव को दूर कर एक दूसरे को गले लगा लिया। तो वो दिन और आज का दिन, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का इंतजार सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि फैंस भी करते हैं। सबकी निगाहें होती है रेड कार्पेट पर,
तो इस साल बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में किस स्टार ने किया आपको इंप्रेस, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी एबीपी लाइव और एंटरटेनमेंट लाइव की टीम की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।